मास के पावन पर्व पर भगवानपुर धनौरी मार्ग स्थित कांवड़ शिविर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का शुभारंभ ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने किया और भोले बाबा के भक्तों को प्रसाद के रूप में भोजन वितरित किया गया। भंडारे का संचालन भाजपा नेता अमरीश सैनी द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते दो साल कोविड-19 के चलते कांवड़ मेले का आयोजन नहीं हो सका था, इसलिए इस बार भारी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और भोले बाबा के रंग में रंग रहे हैं। यह शिव भक्तों का मेला है, देश और दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। महादेव के पुजारी गंगा जल लेकर कोई गंगोत्री से, कोई यमुनोत्री से, कोई केदारनाथ से, बद्रीनाथ से, और ये बड़ी कठिन तपस्या करते हुए महादेव का जल अभिषेक करने के लिए पैदल चलते हैं, यातनाएं सहते हैं और उसके प्रति भक्ति और शक्ति का भाव प्रकट करते हैं। इस अवसर पर ये हमारे अमरीश सैनी जी के और उनकी एक पूरी टीम के माध्यम से जो एक शिविर का आयोजन किया गया है, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विगत कई वर्षों से निरंतर इस तरह के काम हमारी संस्था के माध्यम से किए जा रहे हैं और मैं सभी कांवड़ भक्तों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इसी भावना के साथ के देश के अंदर खुशहाली हो, विश्व के अंदर शांति का माहौल हो और हम देश और दुनिया के अंदर, भारत एक ऐसा देश है जो विश्व को शांति की पूजा करता है, हर हर महादेव का गुणगान करते हुए जो शिव भक्त आज जा रहे हैं, हम उनकी सेवा में यहाँ तत्पर रहेंगे और 24 और 25 तारीख तक ये हमारा शिविर यहाँ पर लगा रहेगा और जो सेवा संस्था से बनेगी वो उनकी सेवा निरंतर करते रहेंगे। भाद्राबाद से न्यूज स्टूडियो के लिए रामपाल सैनी की रिपोर्ट।